देखते रहिए UBN 08 छत्तीसगढ़ बालोद जिले से रमेश चेलक की रिपोर्ट। जिला बालोद गुरु नगर पंचायत के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुबेद पवार के सूने घर में अज्ञात चोरों ने घर से 2.5 लाख के जेवरात पार कर लिए। चोरी की घटना कब हुई है पता नहीं। सुबोध पवार जब अपने घर पहुंचे तब घर का ताला टूटा हुआ था। कमरे में अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे। अलमारी के अंदर रखे मंगलसूत्र, सोने की चूड़ी, चांदी के पायल जिसकी कीमत 2.5 लाख बताया जा रहा है। गुरूर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है। गुरूर पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड का सहारा भी लिया जा रहा है। चिरागों के आधार पर पुलिस चोरों का खोज कर रही है। समझा जा रहा है कि बहुत जल्दी चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। डॉग स्क्वाड के द्वारा बोंडरा के पीछे के रास्ते से होते हुए आवास पारा की ओर डॉग स्क्वाड का इशारा बताया जा रहा है। चोरों के संबंध में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं जिस आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बड़े भैया सुबोध पवार जी के यहाँ चोरी हुई है घर में। उनके यहाँ धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब था तो वो भर्ती थी रायपुर में, और लंबा समय से वो लगातार 2 महीने से नहीं रहे, और इस बीच में घर से ताला खोल के सोना चांदी का जो चोरी किया है 5-6 लाख रुपए का लगभग औसत रेट बताया जा रहा है। और गुरूर में यह पहला घटना है। इस प्रकार की घटना गुरूर बस्ती के अंदर कभी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के लोग सजग हैं और बहुत ही मिलनसार लोग हैं, एक दूसरे से परिवार की तरह संबंध रखते हैं। ऐसा अप्रिय वारदात हमारे ख्याल में कभी नहीं हुआ है, ऐसा घटना यहाँ हुआ है। रेडी, आज जो हमारे गुरू नगर में जो घटना हुआ है बहुत चिंताजनक है, और बीच बस्ती में बीच रहवास में जो चोरी की जो घटना हुई है आदरणीय पवार साहब के यहाँ, बहुत ही चिंता का विषय है इस नगर के लिए। उनके अनुपस्थिति का भी फायदा उठाया गया है चोरों के द्वारा, और एक सातीर चोर या तो जानकार, दोनों में से एक ही ऐसे इस चोरी को अंजाम दे सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी तो पूरे पुलिस स्टाफ आई थी, डॉग स्क्वाड आए थे, और जांच का विषय है। जब तक जांच ना हो अभी कुछ कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन बहुत चिंताजनक है ऐसा चोरी का घटना, और हम चाहते हैं कि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। धन्यवाद।